नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको नॉर्थ फेसिंग क्लिनिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार आप अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है, वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं अपने अनुभव की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आपके यहाँ जो पेशेंट आएगा, आपके अपने दवाई से वो पेशेंट ठीक होता चला जाएगा। अब मैं आपको क्लिनिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका अपना क्लिनिक के अंदर जो आने का रास्ता है, जो दरवाज़ा है, कहाँ लगाना है, वो दरवाज़ा आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर तक, इस हिस्से में आपने दरवाज़ा लगाना है। यदि पेशेंट और डॉक्टर साहब इस दरवाजे से आते हैं अंदर, तो मैं ये कहता हूँ उनके हाथ में, उनकी मेडिसिन में ताकत आती चली जाती है। किस चीज़ की? हर पेशेंट को ठीक करने की। सोच अच्छी बनती है, अच्छा पेशेंट आता है और विश्वास के साथ पेशेंट दवाई खाएगा। और जो पेशेंट यहाँ से आता है, जिस क्लिनिक का दरवाज़ा यहाँ है, कहाँ पर? नॉर्थ और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वो डॉक्टर दवाई तो अच्छी देता है पर पेशेंट विश्वास के साथ दवाई नहीं खाता है। इसलिए पेशेंट को आराम तो आता है, लेकिन बहुत देरी से आराम आता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आप अपना क्लिनिक नया बनाने जा रहे हैं तो आपको दरवाज़ा इधर शिफ्ट करना है, इधर दरवाज़ा बनाना है। और आपका अपना दरवाज़ा यदि इधर बना हुआ है, तो इस दरवाजे को आप इधर की ओर शिफ्ट कर लीजिए। इसी के साथ में सबसे पहले आपको एक सिटिंग एरिया चाहिए। किस चीज़ के लिए? पेशेंट की वेटिंग के लिए। सबसे पहले आपका अपना ये एरिया वेटिंग का बना दिया। यहाँ पर आपने टेबल लगाई, स्लिप पर्ची बनाने वाला व्यक्ति या फिर आपका अपना नंबर लगाने वाला व्यक्ति, आपका अपना यहाँ बैठेगा। यहाँ से आपका अपना अंदर आने के लिए दरवाज़ा बनेगा। जो पेशेंट आपके यहाँ आया है, उसकी अपनी वेटिंग के लिए एक तो ये सोफ़ा लग जाता है, दूसरा सोफ़ा आपका यहाँ लग जाता है। दरवाज़ा आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोड़ के थोड़ा सा तब लगेगा। डॉक्टर साहब की सीटिंग कहाँ और कैसे होनी चाहिए? डॉक्टर साहब की सीटिंग पीछे कंप्लीट मेडिसिन्स रैक लगेगा। डॉक्टर साहब की टेबल, चेयर, पेशेंट ने यहाँ आकर बैठना है, पेशेंट के साथ आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएगा। अब इसके बाद डॉक्टर साहब को अंदर मेडिसिन्स रखनी है, वो भी आपकी वेस्ट वॉल पर। एक्स्ट्रा जितने भी मेडिसिन्स होगी सब यहाँ लग जाएगी। और डॉक्टर साहब को एक बेड भी लगाना है, जिससे कि पेशेंट को चेक करने के लिए यहाँ पेशेंट का हेड आ जाएगा, वेस्ट की ओर पैर चले जाएंगे। इस तरीके से और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये पर्दा लगा दिया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके यहाँ पर बेड पर कलर आना है, वो हरे रंग का आएगा या क्रीम कलर आएगा या हमारा अपना लाइट ब्राउन कलर भी आपका आ जाए। पर्दे पर आपका अपना हरा रंग भी आ सकता है और हरे रंग के साथ साथ में क्रीम कलर या लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए।
इसके साथ में आपके अपने क्लिनिक के अंदर जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। डॉक्टर साहब की चेयर के ऊपर वाइट कलर का फुल साइज का टॉवल आना ही चाहिए। यदि आप अपनी नई दुकान, नया क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो आपने फर्श की ढलान नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर करनी है। कहाँ से? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने अपने क्लिनिक के अंदर जो पत्थर लगाना है, जो फर्श लगाना है, वो मैं कहूँगा क्रीम कलर का लगाना है। इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में कंप्लीट सारा एरिया नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जरूर रखना है। इसी के साथ में शटर के ऊपर जो कलर आना है वो आपका अपना स्काई ब्लू कलर या फिर ग्रे कलर करना है। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी जो रखना है, जो आपका अपना ये एरिया बनता है, यहाँ पर आप एक वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। इसी के साथ में पीने का पानी भी आप यहीं आजू बाजू रख लीजिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा, आपके अपने क्लिनिक का जो फर्श लेवल है रोड के लेवल से बाहर गली के लेवल से स्लाइटली ऊंचा जरूर होना ही चाहिए। यदि आप मेरे कहे अनुसार इस तरीके से आप अपना सेटअप बनाते हैं, मेरा अपना ये मानना है आपके यहाँ जो पेशेंट आएगा आपकी अपनी दवाई से ज़रूर ठीक होगा। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।